आम आदमी पार्टी दे वल्लों गुरदासपुर एक स्कूल विच मीटिंग की गई। इस मीटिंग विच आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान, दिल्ली तो विधायक अते पंजाब इंचार्ज राघव चड्डा अते आप लीडर कुंवर विजय प्रताप शामिल होए। मीटिंग विच पंजाब सरकार विच पी एस एस बोर्ड के चेयरमैन रमन बैल कांग्रेस नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए हन। रमन बैल तो अलावा उन्होंने कुछ होर साथी भी आम आदमी पार्टी विच शामिल हो गए हन। अज समय ने करवट बदली है। अज गुरदासपुर की गुंडागर्दी कट का चैलेंज है। अज आ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करके कांग्रेस सरकार की गुंडागर्दी चैलेंज किया और अगवाई रमन बहल जी कर रहे हैं। और रमन बहल जी बारे या इन्होंने परिवार बारे पूरे पंजाब बड़े भले मानस ने। और मैं उस तो बाद थोनू यह भी दसना चाहना, अगली गल यह भी सुनी जाती है कि यह बड़े ईमानदार परिवार ने, लोगों की सेवा करने वाला परिवार है। वीरो मैं समझना समाज के गवर्नेंस की गल आ जिले में किसानी सुरक्षित होगी, व्यापारियों ढंग के नाल अपना व्यापार करने का मौका मिलेगा, मजदूर अपना उसकी गल चलूगी, अज उस राजनीति को अगे लैके चलेंगे। और मैं एक बार फिर सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता कि तुसी मौका दिता मैनू अपनी फौज के विच लैण दा, दिल दी गहराइयां तो उन्होंने अगे लैके चल सके। मान साहब बहुत जज्बात ने लोगों ने, इन्ना समा नहीं होना जी साहब, बड़े मेरे साथी ऐसे ने कांग्रेस कमेटी के और गुरवेंशस कमेटी के मैंबर भी ने और जिन्होंने पिछलिया चोणों के विच लगातार मेहनत करके इतों के जिने विधायक ने उन्होंने जिता दे विच दफ्तर में भी संभालिया सीगा और वक्रे वक्रे हल्कों के विच इन्होंने काम करके दो चार मिनट के अपनी गल करके। और बहल साहब एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ईमानदारी, नेक नियति और एक ऐसे परिवार के नाम पर मशहूर है जिसने देश को आजाद कराने से लेकर काले अंग्रेज जो आज पंजाब की सत्ता पे काबिज हैं उनसे लोहा लेने तक मशहूर है। मैं ऐसे रमन बहल साहब का अरविंद केजरीवाल जी के परिवार में, आम आदमी पार्टी में बाहें फैलाकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहल साहब के आने से आम आदमी पार्टी पंजाब को, खास करके माझा की धरती पर सियासत में फायदा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ गुरदासपुर की ये सीट आम आदमी पार्टी की पक्की हो जाएगी, ये मैं विश्वास लेकर जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहल साहब का आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे जैसा कि मैंने कहा, पूरा विश्वास है कि आज आप सबको देखकर, बहल साहब की लोकप्रियता देखकर मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरदासपुर की सीट पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की झोली में आएगी। मैं अपनी डायरी में गुरदासपुर के सामने टिक मार्क लगा लूंगा। मेहनत आप सबने करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुआं दी चरण छो प्राप्त धरती, शहीदां दी धरती सुशोभित, आम आदमी पार्टी दे को इंचार्ज ते स्पोक्सपर्सन, नैशनल स्पोक्सपर्सन राघव चड्डा जी,
बहुत ही ईमानदार और धड़ल्लेदार ऑफिसर जिन्होंने इस चिक्कड़ भरे माहौल दे विच दामन ते छिट्टे नहीं पहन दिते। आई जी साहब कुंवर विजय प्रताप जी, साढ़े जनरल सैकटरी हरचंद सिंह बरसठ जी, तो साढ़े परिवार दे विच अज अपने बहुत सारे साथियों समेत शामिल होए रमन बहल जी, मैं तुहाडा स्वागत करना सारे दा। साड़ी पार्टी दे जिला प्रधान कश्मीर वाला जी गुरदासपुर दे, साड़ी गुरदासपुर दी होर सारी टीम, डेरा बाबा नानक दल सारे जिन्हां ने बाई इलैक्शन होर भी जिन्नी बार कोई ड्यूटियां लगियां पार्टी वास्ते दिन रात काम किया, मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ते नाल जिन्हें भी तुसी इत्थे पंजाब दा दर्द अपने दिल दे विच लै के पंजाब नूं दोबारा फिर पंजाब देखण दा जज्बा लै के इत्थे जिहड़े पहुंचे हो, तुहाडा सारिआं दा चलिआ होइआ एक एक कदम साढ़े सिर मत्थे। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलदिया लगभग सारे बुलारिया ने पंजाब के हालातों बारे और उन हालातों के विच बहल परिवार ने किस तरह समाजिक योगदान राजनीतिक योगदान पाया उहदे बारे, पंजाबियों के भंगड़िया की बहाली करनी है, पंजाबियों के गिद्धियों की उन्हां दी खुशियां की बहाली करनी है और पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है। कैलीफोर्निया लंडन पैरिस बनाउण की लोड़ नहीं, सानूं साडा पंजाब मोड़ दो, असीं नहीं इन्हां लंडन पैरिसां तों कुछ लैणा, साडे कोल पंजाब बहुत है। नहीं देखो, रमन बहल जी नूं मैं एक समाज सेवी दे तौर ते ज़्यादा जानदा हाँ, तो जदों आम आदमी पार्टी वालों एक मुहिम चल रही है पंजाब बचाओ मुहिम मिशन 2022, इस दे विच रमन बहल जी का मार्गदर्शन आम आदमी पार्टी नूं मिल रहा है, गुरदासपुर नूं मिल रहा है। असीं दिलों स्वागत किया रमन बहल जी ने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है वह बहुत ही मजबूत होया है। साडा मकसद है कि पंजाब नूं ते विशेषकर गुरदासपुर नूं आगे लेके जाना, जो बैकवर्ड जिला है जो गुरदासपुर इस नूं प्रोग्रेसिव जिला बनाउणा। लगता नहीं तुहानूं कि इस तरीके नाल कितें ना कितें ओह वलंटियर जां फिर ओह वर्कर्स जिहड़े मेहनत कर रहे ने ओह पिछे पै जांदे ने? नहीं, इह सारे नहीं, देखो अपने वलंटियर अपने, मैं पहला ही कहा कि रमन बहल जी एक समाज सेवी ज़्यादा ने, ठीक है ना, बेशक पॉलिटिशियन ने लेकिन एक समाज सेवी ने। गुरदासपुर जिले दे विच इन्हां दी पूरी, मतलब तुसी कहोगे कि पब्लिक दे विच आम जनता दे विच इन्हां दी बहुत ही मान्यता है, लोग इन्हां नूं बहुत ही मान ते सत्कार दे नाल देखदे ने, ते आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी लीडरशिप है गुरदासपुर दी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਫੇਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, देखो नवजोत सिद्धू जो बयान दे रहे ने, नवजोत सिद्धू की पार्टी नू पुछो, उन्हां दी सरकार नू पुछो, उन्हां दे विच की चल रहा है। एक स्क्रिप्ट बनाई है जो कांग्रेस हाई कमांड ने, उस स्क्रिप्ट दे तहत सारे काम कर रहे हैं, उन्हां दे जिहड़े लीडर ने वो सारे एक स्क्रिप्ट दे तहत काम कर रहे हैं। तुहाडे वल कुछ हलका इंचार्ज लाए जा रहे ने, वो की हुण सीट दे पक्के दावे कर रहे हैं? देखो ये सारा चीज़ तुहानू दस दिता जाऊगा जी, सीटां दा ऐलान बाद, सीटां दा ऐलान जल्दी हो जाऊगा। साल पूरे हो गए करतारपुर कोरिडोर नूं बंद कीते होए नूं, ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦ? ਦੇਖੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਾਘਾ ਬੋਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ DSP ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦਾ DAP ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DAP ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ DAP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ DAP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ DAP ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 70-75% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਟਨਿਓਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ